छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस नवरात्र पर रामलीला का आयोजन कर रहे थे, लेकिन रामलीला शुरू होने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस में प्रभु श्री राम को लेकर महाभारत छिड़ गई है। बीजेपी ने कांग्रेस की रामलीला पर सवाल उठाए तो सूबे में राजनीतिक बवाल मच गया। छत्तीसगढ़ में भगवान राम को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे से निकलकर अब बहस तेरे और मेरे राम तक पहुंच गई है। कांग्रेस के आयोजित किए जा रहे कौशल्या के राम कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के आरोपों पर बगैर सरकार के दिग्गज मंत्री पलटवार करते करते ऐसा कुछ बोल गए जो कि सूबे के साथ ही देश की राजनीति को भी गरमा सकता है। प्रदेश के दिग्गज नेताओं में शुमार और राज्य सरकार में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि हमारे राम और बीजेपी के राम में अंतर है। बीजेपी के राम मॉब लिंचिंग, चंदे और धंधे वाले हैं। कांग्रेस के राम का मतलब है निषाद राज के राम। कांग्रेस के राम का मतलब है बनवासियों के राम। कांग्रेस के राम का मतलब है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। भारतीय जनता पार्टी के राम का मतलब क्या है? चंदा बटोरने के लिए राम की तस्वीर, धंधा करने के लिए राम की तस्वीर, रामशिला पूजन के बहाने वोट हासिल करने के लिए राम की तस्वीर, और मॉब लिंचिंग के नाम पर चोट करने के लिए राम की तस्वीर। हमारे राम में और उनके राम में बहुत फर्क है। रामलीला तो विरासत छत्तीसगढ़ ही नहीं हिंदुस्तान की विरासत में रचा बसा है। विवाद की शुरुआत कौशल्या के राम कार्यक्रम के आयोजन को लेकर बीजेपी के आरोपों से हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस ने किया है, जिसे लेकर बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस रामलीला के बहाने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। इस पर कृषि मंत्री चौबे कांग्रेस की ओर से होने वाले कार्यक्रम कौशल्या के राम को लेकर बीजेपी के आरोपों के बाद जवाब दे रहे थे। रविंद्र चौबे यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या राम सिर्फ बीजेपी के हैं? मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही हैं? दरअसल रायपुर में शुक्रवार से रामलीला महोत्सव की शुरुआत हो गई है। पहले दिन कौशल्या के राम का मंचन किया गया। इसमें मथुरा और छत्तीसगढ़ के कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं। रामलीला के मंचन को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस राम भगवान को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। वहीं इससे पहले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी भगवान राम को लेकर कहा था कि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस हिंदुवादी है। बीजेपी वालों से ज्यादा कांग्रेसियों के घर राम का मंदिर है। देखिए, ये बात जो फैलाते हो बहुत गलत है कि भाजपा से कांग्रेस राम को हाईजेक कर रही। मेरा सीधा सीधा चैलेंजिंग प्रश्न है, किस भाजपा वाले के घर मंदिर है बता दें? कांग्रेसियों के घर ज्यादा मंदिर है। एक मंदिर रायपुर का कोई भी मंदिर, सुबह 5 बजे एक आदमी खड़ा हो जाए गिनने के लिए, 200 आदमी जाएंगे, 150 कांग्रेसी रहते हैं, 50 भाजपाई रहते हैं। भाजपाई सिर्फ कहते हैं राम का नाम का खाते हैं, हिंदूवादी बात करते हैं, पर वो हिंदूवादी हैं नहीं। सबसे ज़्यादा हिंदूवादी कांग्रेसी हैं, सबसे ज़्यादा मंदिर हिंदू कांग्रेसी जाते हैं, सबसे ज़्यादा राम कथा में कांग्रेसी जाते हैं, सबसे ज़्यादा मंदिर का निर्माण कांग्रेसी करते हैं। बीजेपी के जय श्री राम से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस कौशल्या के राम किनारे के साथ मैदान में उतर गई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के इस बयान के बाद अब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने फिर कांग्रेस पर पलटवार कर दिया। कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा कि हम एक राम को जानते हैं, कांग्रेस के कई राम होंगे। हमारे ऊपर हिंदूवादी का आरोप अनेकों बार लगा है, हमने कभी उसको झटकार करके फेंकने का काम नहीं किया है। ये किसके राम है ये चौबे जी बताएंगे। मैंने बताया कि अयोध्या के राम राजा राम, राजा दशरथ के पुत्र श्री राम, सौरी के जूठा बेर खाने वाले श्री राम, और जिस प्रकार से कांग्रेस का सफाया हुआ है लंका के रावण अतिताई था उसका वध करने वाले श्री राम को मानने वाले उसके अनुयायी हम लोग। कांग्रेस के बगैर सरकार कौशल्या के राम का मंचन करवाकर छत्तीसगढ़ की जनता को रिझाने में जुटी है। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कौशल्या के मंदिर जाकर दर्शन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है।
भगवान राम को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आमने सामने हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले राम पर अपनी नीति स्पष्ट करे, ये राजनीति करना बंद करे। कांग्रेस का मूल फर्क यही है कि कांग्रेस ने आज तक आजादी से लेकर अभी तक जितने अवसर मिले राम जन्मभूमि की ओर देखा नहीं, राम जन्मभूमि के निर्माण में बाधा पहुंचाया, राम सेतु को तोड़ने वाले, निर्णय लेने वाले, राम का अपमान करने वाले, ये ऐसे लोग हैं जो धर्म और धर्म से विपरीत आचरण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कदमों पे चलने वाली पार्टी है। ये तो अवसर मिलता है तो जनेऊ दिखाने लगते हैं, अवसर मिलता है तो मंदिर जाते हैं, ये चुनावी मौसम में ही ये काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खून में, संस्कार में डीएनए बसा हुआ है और इसलिए चौबे जी को ऐसी तुलना करने की जरूरत नहीं है। राम के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में महाभारत छिड़ी हुई है। देश की राजनीति में पहली बार नहीं है जब भगवान राम को लेकर सियासी घमासान मचा है। पहले भी देश राम के नाम को लेकर कई सियासी तूफान देख चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।